सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस लेक्चर में हम देख रहे हैं बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में। इस लेक्चर में हमको लूप के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करना था, लेकिन कुछ स्टूडेंट का डाउट था बिट वाइज ऑपरेटर को लेकर के। सो इट्स ओके, वी विल कंटिन्यू इन दिस लेक्चर बिट वाइज ऑपरेटर। उससे पहले आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, अगर आपके हाथ में कॉपी पेन नहीं है तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, उसके बाद ही कंटिन्यू करिए, क्योंकि बहुत तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया मैंने बिटवाइज ऑपरेटर को, और छोटी छोटी चीजों पे भी फोकस किया है, इसलिए जो भी चीजें मैं बोलूं और आपको लगे कि नोट डाउन करना चाहिए तो आप उसको तुरंत से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ऑपरेटर देखे वो किसी न किसी आइडेंटिफायर के पूरे बाइट पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज कुछ ऐसे भी ऑपरेटर प्रोवाइड करता है जिनका प्रयोग हम आइडेंटिफायर्स की बिट पर कर सकते हैं, जैसे बिट वाइज ऑपरेटर जिसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं। बेसिकली छह प्रकार के होते हैं। पहला बिट वाइज एंड, इस सिंबल से हम लोग पहले से रूबरू हैं, और दूसरा जो है बिट वाइज और, थर्ड वन इज जो ये कैप का सिंबल है बिटवाइज एक्सऑर, फोर्थ नंबर बिटवाइज नॉट, फिफ्थ नंबर है राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या होता है। बिटवाइज एंड जो कि एक बाइनरी ऑपरेटर है, नोट डाउन कर लेना ये कौन सा ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर, मतलब कि इसको परफॉर्म करने के लिए हमको दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और इसका रिजल्ट वन तभी होगा जब दोनों बिट जो होंगी वो वन होंगी तब, ठीक है। इसको हम और अच्छे समझते हैं आगे ट्रुथ टेबल के माध्यम से। उससे पहले बिट वाइज एंड ऑपरेटर के वर्किंग को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें तीन वेरिएबल इंटीजर टाइप के डिक्लेयर किए हुए हैं, ए बी और सी। ए में असाइन हो रहा है 7, बी में असाइन हो रहा है 5, और सी में असाइन होगा जो इसका आउटपुट होगा, ठीक है। 7 और 5 जो ये वैल्यू असाइन हो रही है ए और बी में, ये डेसिमल नंबर में है। सबसे पहले हमको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, क्योंकि जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर है वो वर्क करेगा बाइनरी नंबर्स पर। इन दोनों को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस पे वर्क करेगा बिटवाइज एंड। उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी बाइनरी में ही होगा। इस रिजल्ट को अगेन हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में, और ये जो डेसिमल नंबर होगा ये असाइन होगा किसमें, सी में। इतना प्रोसेस हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई थिंक सबको प्रोसेस पता होगा, हम यहां पे समझ लेते हैं। 7 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर विल बी 1, राइट, जो रिमाइंडर आएगा यहां पे हम लिख देंगे 1, फिर इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, टू वन जा 2, एंड रिमाइंडर विल बी 1 अगेन। नाउ हमको लिखना पड़ेगा इसको कैसे, बॉटम टू टॉप, ये हमारा प्रोसेस होगा इसको लिखने का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 1 एंड 1, 4 बिट में कंप्लीट करने के लिए इससे पहले हम लगा देंगे 0, लेकिन यहां पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, ठीक है। इंटीजर टाइप मतलब कि मेमोरी में स्पेस कितना लेगा, 16 बिट, ठीक है, 2 बाइट लेता है, अगर बाइट को बिट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 16 बिट। तो इस प्रकार से जो 7 का वैल्यू होगा वो हो जाएगा
16 बिट में अगर लिखने की कोशिश करें तो 000 हो गया 16 बिट 7 की वैल्यू बाइनरी में। अगर हम 5 की निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, रिमाइंडर विल बी 1, एंड अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, रिमाइंडर विल बी 0। अगेन वी विल राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, वन जीरो वन वैल्यू हो जाएगी 5 की। 4 डिजिट की बात करें तो 0101, ठीक है, और अगर हम 16 बिट की बात करें तो ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा, 1 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 हियर 1 राइट, हमने यहां पे भी लिख रखा है 1 रिजल्ट तभी होगा जब दोनों बिट 1 होगा, ठीक है। वी विल सॉल्व फ्रॉम हियर राइट, सो 1 राइट 100 एंड 100 हो गया 111 राइट, उसके बाद पूरा 0 हो जाएगा। वन मिनट, जैसे इसको मैं ठीक है, अभी करेक्ट है। इस प्रकार से ये इसकी वैल्यू हो जाएगी जो इसका आउटपुट होगा। ये किस में है? बाइनरी में। लेकिन अभी हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 101 को डेसिमल में, ठीक है। वैसे ध्यान से अगर देखें तो ये 101 5 की ही वैल्यू है, ठीक है, लेकिन इसको बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या हो जाएगा? 101 राइट, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक जीरो हम और लेते हैं, ठीक है। जो हमारा कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, वन इंटू टू टू द पावर जीरो जीरो इंटू टू टू द पावर वन टू टू द पावर वन, ठीक है, एंड वन इंटू टू टू द पावर टू, एंड दिस विल बिकम जीरो इंटू टू टू द पावर थ्री। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, पूरा ऐड करना पड़ेगा हमको। वन इंटू टू टू द पावर जीरो वन राइट, एंड जीरो इंटू टू टू द पावर वन जीरो, वन इंटू टू टू द पावर टू विल बिकम फोर, जीरो को हमने यहां पर नहीं लिखा है, एंड जीरो इंटू टू टू द पावर थ्री ये भी जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो आउटपुट आ जाएगा कितना आ जाएगा? फाइव।
इस प्रकार जो सी का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं और बिटवाइज और को समझते हैं, सेम एग्जांपल से हम समझते हैं। और इससे पहले एक चीज और समझना कि ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसके लिए भी हमको दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी और रिजल्ट जीरो तभी होगा जब दोनों बिट जीरो होंगे। ठीक है, रिजल्ट जीरो तभी होगा, ये ट्रुथ टेबल में देखना, रिजल्ट जीरो तभी होगा जब दोनों बिट जीरो होंगे। ठीक है, बाकी कंडीशन में अगर एक बिट भी वन होती है तो इसका आउटपुट जो होगा, रिजल्ट जो होगा वो वन होगा। ठीक है, अगर सेवन की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसका बाइनरी नंबर क्या था, 111, राइट। 16 बिट में हम इसको लिख लेते हैं, एंड 5 का क्या था, 0101। ओके, इसको मैं थोड़ा सा सीरियल से कर लेता हूं, राइट। अब इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट हो जाएगा, वन वन वन, वन जीरो वन, वन जीरो, ट्रुथ टेबल में देखना, वन जीरो वन एंड अगेन वन वन वन, राइट, जीरो एंड बाकी सभी जीरो हो जाएगा। राइट, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं अभी, ठीक है, ओके, सही है। यहां पे जो आउटपुट आया है 111, राइट, ये हो जाएगा 7 का वैल्यू। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके देख लेना, ये 7 की वैल्यू होगी जैसा अभी पिछले उसमें एंड में समझा हम लोगों ने। इस प्रकार से इसका आउटपुट हो जाएगा 7, राइट, जो सी में वैल्यू असाइन हो जाएगा वो होगा 7। इसको एक प्रोग्राम से भी समझ लेते हैं। ठीक है, ए में असाइन कर दिया हमने 7, बी में असाइन कर दिया है 5, जो भी हम लोगों ने समझा, और यहां पे हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर करके देख रहे हैं। चलिए इसको हम बिल्ड करते हैं, राइट, सी की वैल्यू को हमने कॉल किया है और ये आउटपुट इसका आ रहा है 5। सी की वैल्यू को हमने कॉल किया है, परसेंटेज सी, ठीक है, और इसका आउटपुट आ गया 5। हम इसको और करके भी देख लेते हैं, यहां पे बिटवाइज और ऑपरेटर का भी यूज करके देख लेते हैं। सेव कर लिया, बिल्ड कर लिया प्रोग्राम को, रन कर लिया, ओके, 7। इस प्रकार बिटवाइज और का वैल्यू आ गया 7। अगर इसको समझने में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आया है तो आप हमसे जरूर पूछें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें ताकि उनके पास भी ये लेक्चर पहुंचे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी मैं वीडियोस, प्रोग्रामिंग या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपलोड करूं उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसमें हम कंटिन्यू करेंगे बिटवाइज के जो बाकी के पार्ट बचे हुए हैं। धन्यवाद।